श्री सोमनाथ मंदिर परिसरमां में श्रावण महीना में ध्वजा पूजा माटे बहुस्तरीय आयोजन करवामां आव्युं। श्रावण में महादेव दर्शने आवनार भक्तों की पहली पसंद हो महादेव की ध्वजा पूजा अधिक श्रावण और श्रावण बे महीना में भूतकाळना तमाम श्रावण करता वधु पूजा नोंधावानुं अनुमान। स्थानिक बहनों मोटी संख्या में महादेव की ध्वजा बनावी आर्थिक पार्जन थकी बन्या आत्मनिर्भर। श्री सोमनाथ मंदिर परिसर में श्रावण महीना में ध्वजा पूजा माटे बहुस्तरीय व्यवस्थाओं करवामां आवी। नृत्य मंडप और सकीर्तन भवन में पूजन व्यवस्था माटे विशेष अधिकारी स्टाफ खड़ेपगे रहेशे। दायकाओ बाद श्रावण और अधिक श्रावण एकी साथे आवनार होय यात्रियों की संख्या में थशे अनेक गणो वधारो थवानी संभावना। दशकों पछी आ वखते अधिक श्रावण और श्रावण एम बमणो शिवोत्सव आवी रह्यो छे। श्रावण महीना में सोमनाथ महादेव दर्शने लाखों की संख्या भाविको आवता होने मोटी संख्या में महादेव की पूजा अर्चन करता होमा भाविकों की सौथी प्रिय पूजा एटले सोमनाथ महादेव की ध्वजा पूजा। तेरे सायण दिवस श्रावण हो महादेव की ध्वजा पूजा अगौना वर्ष करता वधु नोधावा संभावना है। जेने लई ट्रस्टे आगवी तैयारी करी मोटी मात्रा में ध्वजा पूजा थी शके पूरती तैयारी करवा निर्णय कर। ध्वजा शास्त्रोक्त महत्व ध्वजा पूजा भक्तों कल्याण करने पितृओं ने सदगति आपे। ध्वजा पूजा करने की भक्त की यश कीर्ति और आयुष्य में वृद्धि थाय। ध्वजा केतु स्वरूप मानवामां आवे छे जेथी ज्योतिषशास्त्रनी दृष्टिए पण ध्वजा पूजा अति महत्वनी पुण्यदायक मानवामां आवे छे। ध्वजानो इतिहास श्री सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण थया बाद ट्रस्टना तत्कालीन अध्यक्ष अने जामनगरना महाराजा दिग्विजय जाम साहेब द्वारा 13 मे 1965 रोज मध्याहने 12:30 कौशे ध्वजारोपण करवामां आव्युं हतुं। ध्वजानुं बंधारण अने पद्धति प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिरनी ध्वजा एकंदरे 21 मीटरनी होय छे जेमां महादेवनुं त्रिशूल अने नंदीजी बिराजमान होय छे। आ ध्वजा मंदिरना मुख्य शिखर पर 155 फूटनी ऊंचाई पर फरकावामां आवे छे। ट्रस्ट द्वारा तालीम अपाल कर्मचारीओ शिखरथी नीचे सुधी बंधायेल दोरડા અને સેફટી બેલ્ટ સાથે શિખર પર ચડીને ધ્વજારોહણ કરે છે। ભક્તો પોતાના હાથે ધ્વજા શિખર પર ચડાવી શકે તેના માટે ટ્રસ્ટ સ્વહસ્ત ધ્વજારોહણ સેવા આપે છે જેમાં ભક્તો ધ્વજાને પાત્રમાં મૂકીને દોરડા વડે ઉચ્ચારણ કરી ધ્વજને શિખર પર પહોંચાડે છે। ધ્વજ નિર્માણ કરનાર શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિર માટેની ધ્વજાઓ સ્થાનિક મધ્યમવર્ગીય મહિલાઓ પાસે ધ્વજા નિર્માણ કરવામાં આવે છે। હાલમાં સ્થાનિક મહિલાઓ ध्वजानु निर्माण करी रोजगार मेळवीने आत्मनिर्भर बन्या छे। 3 पेढ़ी आ परिवार ध्वजा निर्माणनुं कार्य करी रह्यो छे। तेओ कहे छे ध्वजा निर्माण मात्र काम नहीं परंतु साधना छे अने श्री सोमनाथ ट्रस्ट देशना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदीनी अध्यक्षतामां स्थानिक रोजगार ने प्रोत्साहन आपी तीर्थनो कायाकल्प कर्यो छे। अधिक श्रावण अने श्रावण माटे बमणी तैयारी सोमनाथ खाते दर्शन करवा आवनार भक्तों विशेष रूपे ध्वजा पूजा करी पोताना परिवार तेमज पूर्वजोनो उद्धारथी प्रार्थना करता होय छे। अधिक श्रावण अने श्रावण बंने मासमां अत्यार सुधीना तमाम श्रावण मासथी वधु दर्शनार्थी आवाना अने ध्वजा पूजा सहितनी पूजाओ वधु मात्रामां नोंधवानो अंदाज लगावी रह्यो छे। श्री सोमनाथ ट्रस्टनी आगवी तैयारीओ देशना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदीनी अध्यक्षतामां श्री सोमनाथ ट्रस्ट भाविकोने प्रेमपूर्ण आतिथ्य अने उत्तम दर्शन अनुभव आपवानो ध्येय साथे कार्यरत छे। त्यारे ट्रस्टना सचिव योगेन्द्रभाई देसाईना सतत मार्गदर्शन हेठळ ट्रस्ट अधिक श्रवण अने श्रावणमां आवनार भाविको माटे सरल दर्शन व्यवस्था तेमज मंदिर परिसर में आवेल नृत्य मंडप अने सकीर्तन भवन खाते सुचारू पूजन व्यवस्था गोठवी आ काम माटे ट्रस्टे विशेष अधिकारी कर्मचारी गोठवण पण करी छे। तेमज पूजन सामग्री अने अनुसांगिक व्यवस्थाओ सहित पूर्व तैयारी पूर्ण करी छे। ब्यूरो रिपोर्ट महेन्द्र टांगे सोमनाथ। सोमनाथ महादेव मंदिर में आदि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ बिराजे छे। सोमनाथ मंदिर नी अंदर ध्वजा चढ़ावानुं ज्योतिषशास्त्रनी दृष्टिए अने धार्मिक दृष्टिए घणुं महत्व छे। सोमनाथ दादा ने शिखर उपर ध्वजारोपण करवाथी मनुष्य ना जीवन थी लईने मृत्यु सुधी ना जे कर्म होय ए कर्मना बंधन माथी मृत्यु पछी कर्मना बंधन प्रमाणे गति मळे छे। तो ए कर्मना बंधन माथी मुक्ति आपवा माटे अने पितृओना उद्धार माटे ध्वजापूजन नो मूळ महत्व छे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार આપણા યુનિવર્સમાં બ્રહ્માંડમાં 9 ગ્રહો આવેલા છે એ 9 ગ્રહોના આકાર છે। તો 9 ગ્રહોમાં કેતુ જે છે એનો આકાર છે એ ધ્વજા આકાર છે। તો જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ કેતુ છે એ આધ્યાત્મિક અને મુક્તિનું કારક છે। તો કેતુ ધ્વજા ચડાવવાથી જો જન્મકુંડલીમાં શનુ કેતુના શ્રાપિત યોગ થતા હોય કે કોઈ પણ શ્રાપિત યોગ થતા હોય તો એનાથી પણ મુક્તિ મળે છે। ખાસ કરીને ભગવાન સોમનાથજીના જે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ મંદિર છે ત્યાં ધ્વજા ચડાવવાનું એક અનેરું મહાત્મય છે। ખાસ કરીને શ્રદ્ધાળુઓ દેશ વિદેશમાંથી આવી અને ભગવાન સોમનાથજીની ધ્વજા પૂજા કરતા હોય છે। સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ લોકો સરળતાથી આ
पूजा करी सके पूजा में भाग ली सके जोड़ी सके ये माटे ट्रस्ट द्वारा ध्वजा पूजा ऑनलाइन ट्रस्ट की वेबसाइट पर नोधवा है और मंदिर काउंटर पर नोधवा है। ध्वजा पूजा करने समय सवेरे 7:30 थी लई सांजे 5:30 सुधीनो है। खास कर छेल्ली ध्वजा भगवान ने चढ़े है आखी रात मंदिर पर आ ध्वजा रहे है एनु एक खास महत्व है और आ ध्वजा पण लोको एडवांस में ट्रस्ट की वेबसाइट पर बुक करावता होय छे। ट्रस्ट द्वारा लोग शांतिपूर्ण रीते ध्वजा की पूजा कर सके ट्रस्ट द्वारा मंदिर में अँ सारी रीतना व्यवस्था कर विशेष में मंदिर ट्रस्ट द्वारा लोग जाते ध्वजा चढ़ाई सके ये एक व्यवस्था ऊबी कर जेमा जे यंगस्टर खास कर मंदिर दर्शने आता है कि जे लोग ने एक अनेरो उत्साह हो पूजा पोते जाते दोरी खेची और ध्वजा ऊपर सुधी शिखर सुधी पहुँचाड़ी और ध्वजा चढ़ावा पोते आनंद मेलवता हो। खास कर जो है तो महाशिवरात्रि और